एक तो आपने पूरी फाइनल कर दी, लेकिन ऑयल तो बताया नहीं कौन सा डालोगे। ऑयल वो ये की डालता हूं तो पता होगा कौन सा वाला, कौन सा पोयो ऑयल। हां ना पोयो ऑयल ब्रांड है ना, यही तो ऑयल है सारा वीआईवी बेहतरीन है। अच्छा भाई सीन ऐसा है ना, मैं आपको बता रहा हूं हजार हजार सीन ऐसा कि भाई ये बाइक का अगर आपको मैं चेक करा रहा हूं ना, ये जो बाइक है ना ये होंडा 100 है। अच्छा ये बोट से लोग जब लेते हैं ना तो उन लोगों को ये पता नहीं होता इसमें एक बहुत गंदा फाल्ट आता है। सलीम ने भी रखी थी ये बाइक, सही है भाई। इसमें कौन सा फाल्ट आता है बताओ जरा। क्लच प्लेट होगा। अच्छा फाल्ट पता है क्या होता है, फाल्ट ये होता है जो क्लच प्लेट होती है ना, किक मारो किक जाम होती है, फिर गियर में डालो फिर आगे पीछे करो फिर किक मारो फिर सही होती है, फिर वही एक दिन बाद या थोड़ी देर बाद किक लगती नहीं है। तो सीन ऐसा ना, अभी आपको उसका बताएंगे क्या सीन है, आ जाओ तुम्हारे को बताएंगे। इसका जो होजिंग होता है ना ये अलग है, इस होजिंग के अंदर मसला आता है, और ये प्लेटें होती हैं इसके अंदर चार, और जो प्रेशर प्लेट होती है वो तीन होती है, क्लच प्लेटें हैं। अभी ये खोलूंगा सारा चेक करा के आपको चेक कराऊंगा सारा सामान। मैं ले आऊँ जेन्युइन तुम्हारे को ना, मैं लोकल माल डालता ही चेक कराना हूँ। पोयो ऑयल वेट कर, फाइनल ये खोल रहा हूँ जैसे आपको बताया, तो खोल के आपको चेक कराता हूँ प्लेटों में जो फाल्ट आता है ना वो चेक फाइनल करना है। ये जो ना अभी ऐसी बाहर नहीं आता, जब तक इसके नट नहीं खोलो तो मुझे नीचे प्लेट लगी होती है, इसके अंदर ऑयल होते हैं, दो नट होते हैं, एक ये लगा और एक इसके नीचे होता है यहाँ बहुत बाहर दबाव। ये देखो ये खुल गया, इसके अंदर प्लेट के अंदर ऑयल भी ये निकाला है। अपने से पता नहीं क्या क्या कंपनी वालों ने फिट किया हो, अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला पाना ना ये उल्टा करके लगा के ये करना, ये छोटा वाला दिया हुआ ना इसका अलग से, लेकिन हमने ये इससे नहीं खोलेंगे, इससे खुलेगा नहीं ना, इसको हम खोलेंगे अल्लाह आपको पता करे, वो जो छैनी होती है ना छैनी उससे खोलना। ये इसको ये इसका पाना है मेरे को, मैं इससे नहीं खोलना पता है क्यों, क्योंकि इसका जो ना ये अंदर से स्लिप हो गया ना क्लच प्लेट इसलिए खुल रहा नहीं, इसको इससे खोलना। हो जाता है उसकी वजह से अभी प्लेटें चेक कराता हूँ। अच्छा इसके अंदर एक वाशर होती है कट वाशर, जो वो दोनों चांद वाशर होती है दोनों तरफ से, वो मैं अभी दिखाऊंगा। ये ऐसे लगता है टूटी हुई वाशर है, टूटी भी नहीं होती है ऐसी, इसके पीछे आती है, और ये ना हो तो क्लच काम ही नहीं करेगा। सही है भाई, बाकी एक और वाशर चेक कराता हूँ, अंदर स्टार वाशर है ये। यहाँ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, कभी होता है ना इंसान है खुलवाए बैठ के चेक करवाए, ये क्लच बक्सा है ये इसका ख़त्म है, ये देख ये चाल देख ये चाल, अब इसके अंदर रबड़े छपड़े होती है वो डलवाऊँगा, अगर नहीं डलवाने हो ये डलवा दूँगा, नहीं तो नहीं डलवाऊँगा, ये तो यहाँ से कट गया चल जाएगा, कटा हुआ भी होता है ना हल्का सा चल जाएगा, लेकिन हम इसको चेंज कर देंगे। इसके अंदर एक ये बुश होता है और एक अंदर ये वाशर होती है, ये कुशन गाड़ी होती है फाइनल लगा
क्लच प्लेट है FCC की और प्रेशर एटलस की, जो शुरू से डालता हूँ आज तक सही है भाई फाइनल। और ये होजिंग जो होता है ना तुम्हारा, होता है डायमंड डालता हूँ, इसके बजाय डालते ही नहीं। पहले इसमें चाइना डाला हुआ था, पता नहीं किसी ने डाला है क्या डायमंड, हमारा होता लोकल काम ही नहीं करता हूँ। PI तीसरे अभी डालूंगा, सारा चेक करूंगा, वीडियो बनाऊंगा बेहतरीन। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई। ये देख लो ये प्लेटें, ये देखो FIT पता नहीं कौन सा ढाबा है लोकल, सही है भाई। ये प्लेट पूरी जलेबी, ये निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो लिफान की जलेबी CRLF लिफान, तुम्हारा पता मैं डालता ही नहीं लिफान, ये मैं ये तो ऐसे दिखा रहा हूँ पता है पूरा डलेगा ना। ये देखो ये हो जाएंगे एटलस वाला सही और ये ओरिजिनल FCC सही है भाई। उसके बाद हमारे को एक ही प्लेट डालनी है यहाँ पे ऊपर से, ये हमारे को प्रेशर प्लेट लगानी होती है, आपको सिखा रहा भी हूँ कल को अगर तुम्हारे काम आए। ये देखो चेक कर, ये इसमें डलेगी भाई, ये सब भाई इधर ऊपर गई है, इधर ऊपर ये जो चीज़ होती है ये ऊपर आनी चाहिए, जो इसके अंदर वाली चीज़ें नीचे होनी चाहिए। तो भाई फाइनली क्लच बक्सा इसमें फिट कर दिया है और अब स्टार वाशर लगा दी जुगनू भाई ने, फिट करूंगा ना दो आगे और चेक करूंगा। और ये जो वाशर है, ये वाशर है कट वाशर जो इसके दरमियान में लगती है, ये कट वाशर भी लगा दी। ये कट वाशर लग गई यूं, ये यूं यहाँ लग गई। बहुत नीचे
नीचे है वो। भाई ये हो गया वीआईपी, उसका भाई ये है लट्टू। अबे लट्टू नहीं, ऑयल पंप होता है यहाँ पे लगा के, ये लग गया इधर। उसके भाई ये लिवाशर लगेगी, उसके भाई ये नट लगेगा राइट। यार पता नहीं पता है क्या, इसका पाना है मेरे पास, लेने इसको मैं पता है इससे टैड क्यों कर रहा हूँ। दिमाग जो ना इससे बैठा, दिमाग जो इससे बैठा भाई, देखो ये तो कहते इसी से टैड भाई। अब ये वाला तीन है, ये टैड करूँगा ना, इससे बड़ा वी आई भी होता है एक दफा जान। ये अब जो ना तीसरे में आएगी, पोयो आएगी। बाकी अभी क्लच कॉल लगाऊंगा बस, यहाँ पे वीडियो हो गई खत्म भाई। यहाँ पर वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, पेज को भी लाइक करना है फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी लाइक करो। पोयो तीसरे में ओके का डन कर उस्ताद। हो गई फाइनल गाड़ी, फाइनल हो गई बेहतरीन, अभी तीसरे में आएगी। बाइक तो आपने पूरी फाइनल कर दी, लेकिन ऑयल तो बताया नहीं कौन सा डालोगे। ऑयल वो ये ही डालता हूँ, पता होगा कौन सा वाला, कौन सा पोयो ऑयल। हाँ ना, पोयो ऑयल ब्रांड है ना, यही तो ऑयल है सारा। वी आई भी बेहतरीन भाई, चेक कर, चेक कराऊंगे तो ये देख। होंडा में भी पोयो ऑयल, होंडा में भी पोयो ऑयल, सब गाड़ियों में पोयो ऑयल। असल में ब्रांड है ना, बेहतरीन ऑयल है, लोकल थोड़ी। चेक करा, माशाल्लाह यार, दिल कर रहा मैं पी जाऊं यार, फिर मैं भी तीसरे पे आऊंगा ऐसे, है ना। ये गाड़ी आएगी तीसरे पे, चौथा यहाँ नहीं लगेगा, किधर लगेगा, पाकिस्तान से बाहर ही लगता हमेशा। जिस बंदे की बाइक में डाल ले बता देना उसको, पोयो ऑयल डाल, भाई के सामने ही डाल, सामने करें भाई।